हेलो फ्रेंड्स, जीएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा, और यदि अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना, जो कि सूक्ष्म शिक्षण की सीरीज़ का अगला वीडियो है। अभी तक हम सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे कौशलों के और सूक्ष्म लेसन प्लान यानी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के वीडियोस बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे, और यदि नहीं देखे और आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए, वहाँ पे आपको माइक्रो टीचिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे खोलिए, वहाँ से आप प्रीवियस सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक पर चर्चा करना, जो कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना क्रमांक 2 है, शैक्षिक उद्देश्य लेखन, जो लेखन कौशल है, शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल, उसका वीडियो लेकर हम आपके लिए आए हैं। इसकी थ्योरी का वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं और एक लेसन प्लान भी हम अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान की जो प्लेलिस्ट है उससे देख सकते हैं। फिर सबसे पहले आपको क्रमांक डालना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, फिर कक्षा, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है, दिनांक जिस भी दिन आप प्रेजेंटेशन करें, समय 5 से 7 मिनट, कौशल है हमारा शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल, प्रकरण है हमारा जहांगीर। यहाँ पे जैसा कि आप यदि अभी तक आपने सूक्ष्म शिक्षण की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन 10 मिनट के अंदर समाप्त करना होता है, आपको सूक्ष्म कक्षा में ही इसका प्रेजेंटेशन करना होता है, जिसमें आपके सहपाठी ही हो सकते हैं 8 से 10, या फिर रियल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जहाँ तक ऐसा होता है कि आपके सहपाठी होते हैं आपके स्टूडेंट जिनसे आप ये स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, आप एक बार प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद उसमें जो भी गलती होती है आपको फीडबैक मिलता है, आप फिर से लेसन प्लान बनाते हैं, सूक्ष्म लेसन प्लान बनाते हैं, फिर से उसको संशोधित किया हुआ लेसन प्लान फिर से प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल ही है तो हमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य इसमें लिखने होंगे, कि प्रकरण है हमारा जहांगीर, और सामाजिक विज्ञान से हमें लिया गया है तो सामान्य उद्देश्य हमारे सामाजिक विज्ञान से संबंधित होंगे यानी विषय से संबंधित, और विशिष्ट उद्देश्य होंगे हमारे प्रकरण से संबंधित। यहाँ पे हमारे सामान्य उद्देश्य हुआ कि विद्यार्थी इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये हमारा कोई भी विषय को पढ़ाने का हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि उस विषय के प्रति हमारे को बच्चों में रुचि उत्पन्न कराना, फिर ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान कराना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, देश प्रेम की भावना का विकास करना, इतिहास विषय जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो बहुत सारी देशभक्ति वाली बातें भी आती हैं, तो देश प्रेम की भावना का विकास करना, तात्कालीन समय का ज्ञान कराना, अच्छे आचरण का विकास करना, ये सब हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, कि जहांगीर के विषय में जानकारी जान सकेंगे विद्यार्थी, जहांगीर के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, यदि कोई उनसे बाद में पूछेगा तो वो बता पाएंगे, जहांगीर के साहस पराक्रम व कौशलों में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, जहांगीर के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, जहांगीर के शासनकाल से परिचित हो सकेंगे, ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। फिर उसके बाद आपको जो प्रेजेंटेशन में आप बच्चों के साथ संवाद करेंगे उसकी तालिका बनाना होता है, जिसमें क्रमांक, छात्र अध्यापक या अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक आपको लिखना है। घटक का सूक्ष्म शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब मैंने शैक्षिक उद्देश्य की थ्योरी वाला वीडियो बनाया तब मैंने एक एक घटक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को देखें तो आपको घटक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे, बच्चों बाबर के पुत्र का क्या नाम था, तो वो बताएंगे हुमायूं, यानी ये उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हुआ। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, तो अकबर। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, इलाही धर्म। फिर अकबर के पुत्र का क्या नाम था, तो उसका नाम जहांगीर था। तब हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे, तो जो कि हमारा शैक्षिक उद्देश्य कौशल है, तो उद्देश्य कथन तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।